सो है गाइज, मैं किशन जी राज, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड की। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने मोबाइल का जो है रैम कैसे बढ़ा सकते हैं जो हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर आप लोग लिखेंगे स्वैप नो रूट। उसके बाद में ये एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको जो है डाउनलोड कर सकेंगे। थोड़ा मैं इसका जो है एक्सप्लेन यहां भी कर देता हूं। यहां पे देखिए ओपन का ऑप्शन मिला है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके 1 मिलियन डाउनलोड प्लस है। उसके बाद में यहाँ पे इसको 4.5 की रेटिंग दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया है। इसके रिव्यू मैं जो है आप लोगों को चेक करा देता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग बैक चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर और देख लेते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, इसको अब हम लोग ओपन करेंगे। उसके बाद में हमारी ईमेल आईडी सारी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं या फिर कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो हमको कोई ना कोई जो है चूज करना ही होगा। तो मैं एक ईमेल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा स्वाइप साइज, यानी कि कितना GB आप अपने जो है रैम को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये 512 MB है। आप लोगों को पता होगा कि 1024 MB का 1 GB होता है, तो हमारा 4 GB रैम ऑलरेडी है। तो मैं 2 और करना चाहता हूँ, तो 2048 कर लूँगा, 2048 MB, यानी कि मैंने 2 GB अपना जो है और बढ़ा लिया। अब हमारे फ़ोन का रैम कितना हो जाएगा, 6 GB। और यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा क्रिएट स्वैप पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट स्वैप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इनके कुछ ऑफर्स आए हैं, कुछ अपग्रेडेशन इसमें किया गया है इस एप्लीकेशन में, जिसमें आप लोगों को जो है ऐड देखने के जो है कॉइन मिलेंगे और उस कॉइन से जो है इनके प्रीमियम चांस को भी जो है खरीद सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड भी देख लेंगे। गाइज एड को पूरा देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लिखा मिलेगा कंग्रेचुलेशन यू हैव एनर 10 कॉइन, यानी कि मैंने अब 10 कॉइन जो है कमा लिए हैं। अब हमको फिर से जो है यहाँ पे क्रिएट स्वैप पे क्लिक करना होगा। क्रिएट स्वैप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे स्वैप नो रूट, यानी यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा तो इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एस पे क्लिक कर देंगे। एस पे क्लिक करने के बाद में ये पेयरिंग करेगा, उसके बाद में यहाँ पे क्रिएटिंग स्वैप फाइल करेगा, यानी कि हमारा रैम जो है कस्टम रैम हमारा तैयार हो रहा है। तो हम वेट कर लेते हैं। ये फ्यू मिनट्स लेगा, यानी कि कुछ ही मिनट में ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है स्वैप फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में हम बैक आ जाएंगे। दोस्तों हम बता दें कि ये जो कस्टम रैम जो बनाता है आपके रैम को जो बढ़ा देता है आपका, यहाँ पे फाइल मैनेजर खोलेंगे। फाइल मैनेजर खोलने के बाद में मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा होगा फ़ोन स्टोरेज, जिसमें हमारा 37 GB है बचा हुआ है और ये 64 GB, यानी कि इंटरनल स्टोरेज को जो है रैम में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों अधिकतर 16 GB, 32 GB, 64 GB या फिर उससे भी ऊपर के जो है स्टोरेज हमारे फ़ोन में देखने को मिलते हैं, बट उसमें रैम अधिकतर जो है 2 GB और 3 GB, 6 GB, 8 GB इतना ही मिलता है। तो अपने जो है इंटरनल स्टोरेज को हम इसमें से कट करके इस एप्लीकेशन की मदद से रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने रैम को जो है काफ़ी बढ़ा सकते हैं जितना चाहें और अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि मैं पबजी खेलता हूँ, तो आप पबजी खेलिए या BGMI खेलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए, कोई भी ऑनलाइन गेम अगर आप जो है खेलेंगे
तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि मैंने भी जो है इसको खेल करके देखा है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो पर नए इस तरह से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।